प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के बीना में थे, जहां उन्होंने विपक्ष के INDIA फ्रंट पर जमकर हमला बोला। विपक्षी गठबंधन को पीएम ने सनातन विरोधी बताया, उन्हें देश को गुलामी में ढकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है, और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, ये गमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गमंडिया गठबंधन की नीयत है, भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई, आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है।